हेलो दोस्तों, आज का नया ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है और आप सबके लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हम लोग अभी जा रहे हैं दोस्तों सुबह सुबह खेत। हाँ दोस्तों, हम लोग अभी खेत में जा रहे हैं और कल शाम को हमने जाल अड़ कर रखा था और उस जाल को उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, मिलकर जा रहे हैं, देखते हैं कितना मछली लगे हुए हैं। दोस्तों मेरा वाइफ अभी जाल को उठाने वाली है, लगे हैं क्या? हाँ लगे हैं क्या? हाँ लगे हैं, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत लगे हैं। लगे हैं ना? हाँ हाँ। दोस्तों अभी और एक जाल को उठाने वाली है मेरा वाइफ। लगे हैं, हाँ हाँ बहुत सारा लगे हैं, मुझे दिख रहा है, लगे हुए हैं ना। और दोस्तों अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और हम लोग 3 जाल अड़ कर रखे थे दोस्तों। कितना मछली लगे हुए हैं घर में पहुंचने के बाद आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हो ना, इतना सारे मछली लगा हुए हैं जाल में, हाँ ना। हाँ दोस्तों, इतना सारा। हाँ, ये सबसे बड़ा है दोस्तों। एक ही बड़ा मछली लगा हुआ है और सब छोटे छोटे है दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से देखो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसको सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों हमने खाना वाना खा कर जंगल गए थे दोस्तों, और जंगल से पत्ता लेकर आ गए हैं दोस्तों, सूखने के लिए दे दिए हैं, है ना। और सबसे ज्यादा लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा लेकर आए हैं। आज देख रही हो ना कितना बड़ा एरिया में, बहुत बड़ा एरिया में हमने सुखाने के लिए दे दिए। और दोस्तों आज हमने सबसे लेट में आए हैं दोस्तों, हमने घर पहुँचने के बाद टाइम देखा दोस्तों 12 बज गया था दोस्तों। तो अभी हम लोग जाएंगे मिट्टी लाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों मिट्टी लाने के लिए साइकिल में जा रही है, साइकिल से जाएंगे तो ज्यादा लेकर आएंगे दोस्तों, इसलिए साइकिल लेकर जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग इधर उतर गए हैं, देख रहे हो ना रास्ता है इधर, वो बहुत ऊंचा है दोस्तों, इसलिए मेरा पति साइकिल को नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए मैं उतर गई हूँ। तो चले पैदल करके जाएंगे, आप भी उठो ना गिर जाओगी। और दोस्तों हम मिट्टी के पास पहुँच गए हैं, मेरा पति मिट्टी खोद रही है, हो रहा है ना, बारिश की वजह से मिट्टी नरम हो चुकी है, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी खोद रहा है मेरा पति। हो गया, और अभी हम लोग बुरे में डाल रहे हैं दोस्तों मिट्टी को, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है दोस्तों, दिक्कत हो रही है दोस्तों, बुरे में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों मिट्टी बुरा को हमने साइकिल में लोड कर दिया, बहुत भारी था। हाँ दोस्तों बहुत भारी लग रहा था दोस्तों, मिट्टी ओदा हो चुका था ना, इसलिए बहुत भारी लग रहा था, भारी लग रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से हमने लोड किया साइकिल में। तो ठीक है दोस्तों, घर पहुँचने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग मिट्टी को लेकर घर पहुँच गए हैं, और मेरा वाइफ को देख रही हो ना, मिट्टी और गोबर को सान रही है दोस्तों, देखो पैर से कैसे कर रही है, देखो। हाँ, पैर से ही किया जाता है, है ना। हाँ, अच्छा हो रहा है क्या? हाँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम लोग अच्छे से सान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग को जरूर दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो के साथ बने रहिए, बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वाइफ अच्छे से सान लिया है मिट्टी को, और अभी मिट्टी को ले रहे हैं दोस्तों। हो गया, हाँ चलो। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना हमारी किचन को, दोस्तों हमारी किचन को आज नया करने वाले हैं दोस्तों, पूरे नया कर देंगे आज। हाँ, थोड़ा पुराना हो चुका है ना। हाँ, थोड़ा पुराना हो गया है ना, इसलिए हम लोग आज सोच लिए है कि नया कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हो ना दोस्तों, चूल्ही भी थोड़ा टूट गया, गया है। हाँ। और इधर देखो दोस्तों, गड्ढा हो गया है, बहुत जगह ऐसा ही हो गया, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं आज थोड़ा लेस लेंगे, नहीं सफाई कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा वाइफ ने स्टार्ट कर लिया है, आप लोग देख रहे हो ना, वो भी चूल्ही से स्टार्ट कर रही है दोस्तों। हाँ, चूल्ही को आज नया कर रही हूँ दोस्तों। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश। हाँ देखो दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है अभी, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही चाराधार हम लोग करेंगे दोस्तों, उधर बारंडा को भी करेंगे दोस्तों। हाँ। इसका प्लेन देखो दोस्तों, जैसे पक्का घर को प्लेन करते हो ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा खराब कर दिया, खराब कर दियो, ठीक है रहने दो दोस्तों। इसी मिट्टी से बहुत पतला करके लसते है दोस्तों, है ना जी। हाँ, क्योंकि ज्यादा मिट्टी दे के लसोगे तो फट जाएगा। हाँ, हाँ, फट जाता है दोस्तों, इसलिए कम मिट्टी देकर लसते हैं। लसते हैं, बहुत पतला, बहुत ही पतला, पतला देने से नहीं फटता है और देखने में बहुत अच्छा लगता। हाँ। है और बहुत प्लेन होता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को एक सैंपल तो दिख रहा है दोस्तों, ये पूरी तरह कम्प्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, इसको और भी पानी लगा करके मेरा वाइफ प्लेन करेगी दोस्तों। उस गड्ढे में थोड़ा ज्यादा मिट्टी दे दो। तो दोस्तों अभी देख रहे हो ना मेरा वाइफ को कहाँ तक पहुँच गई है दोस्तों, देखो कहाँ से
शुरू किया था दोस्तों, यहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँच गया। बहुत बड़ा एरिया मेरा वाइफ ने लेस लिया है दोस्तों, और मुझे कह रहा है दोस्तों मुझे थोड़ा साथ दो, तो मैं ट्राई करूँगा। मुझे तो अच्छा से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो मुझे सजेस्ट करेगी और मैं ट्राई करूँगा। कर पाऊँगा तो अच्छा बात है, और नहीं कर पाऊँगा तो बहुत बुरा बात है दोस्तों। दोस्तों देख रहे हो ना कैसे मिट्टी को लेस रहा है मेरा पति, ऐसे नहीं लेसते हैं। और कैसे? इस तरह करते हैं, ऐसे करो ना। हाँ, मेरा हाथ पूरा गंदा हो जाएगा अभी, देख रहे हो ना दोस्तों। अभी हुआ ना? हाँ, स्प्रेड करो मेरी तरह। दोस्तों हम लोग करें या ना करें, लेकिन ये सब चीज सीखना चाहिए दोस्तों। हाँ, फ्यूचर में काम आएगा, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो तब हम लोग कर पाएंगे दोस्तों। पानी दो। पानी? हाँ, पानी भी लगाओ ना, अच्छा होगा। ऐसा करके लगाओ? हाँ, ज्यादा थोड़ा लगाओ, और ज्यादा। हाँ, ऐसे सीधे सीधे करो, ऐसा और ज्यादा सीधे, ऐसे ऐसे करना, ऐसे। ओह, समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया दोस्तों। अभी हुआ ना? हाँ। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा बारौंडा को, हमारा किचन बारौंडा को। यहाँ पर चूल्ही देख रहे हो ना, कितना अच्छा दिख रहा है अभी। और इधर साइड भी देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूरा नया हो गया ना, पूरा नया हो गया है दोस्तों। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों सूखने के लिए। ये जब अच्छे से सूख जाएगा तब और एक स्टेप करेंगे दोस्तों। हाँ, नहीं तभी जाके अच्छा दिखेगा किचन हमारी। हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं अच्छे से सूखने के लिए। A few moments later. तो दोस्तों मैं नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ, और मेरा वाइफ अभी तक नहीं नहाया है दोस्तों। और हमारा किचन बरामदा को देख रहे हो ना दोस्तों आप लोग, ये हल्का फुल्का सूख गया है दोस्तों। और मेरा वाइफ अभी लुंडा दे रही है। हाँ दोस्तों, ऊपर सूख गया पूरी तरह, बहुत अच्छे से। हाँ दोस्तों, हम लोग लुंडा इसलिए दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हो ना ये बरामदा को, देखो ये ब्लैक दिख रहा है दोस्तों। इसमें बैठने उठने में बहुत अच्छा लगता है, और देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। और इसको देखो दोस्तों, रेड दिख रहा है, इसलिए हम लोग लुंडा दे रहे हैं दोस्तों। इसके जैसा हो जाएगा ये भी लुंडा देने से दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, पूरा बारौंडा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और कितना प्यारा दिख रहा है अभी। हाँ, हाँ, दिखाओ ना। देखो दोस्तों, पूरा प्लेन दिख रहा है दोस्तों। हाँ, पूरा प्लेन मन कर रहा है अभी। और नीचे साइड भी देखो दोस्तों, इधर साइड भी बहुत ही प्लेन हो गया है दोस्तों। थोड़ा बहुत अप डाउन दिख रहा है, लेकिन बहुत प्लेन हुआ है दोस्तों। और छोटा बरामदा को भी देखो दोस्तों, जहाँ से हम लोग उठते हैं दोस्तों। हाँ, ये भी इधर से ऊपर उठते हैं। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्लेन हो गया है दोस्तों। दोस्तों अभी अभी हम लोग लुंडा दिए है ना, इसलिए थोड़ा कलर अलग दिख रहा है। हाँ, सूखने के बाद अच्छा दिखेगा, काला हो जाएगा दोस्तों। सूखने के बाद दूसरा साइड बरामदा जैसा दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट दिख रहा होगा, देखो दूसरे साइड। हाँ, काला, दूसरे साइड लाल। हाँ हाँ, ये सूख जाएगा तो इसके जैसा दिखेगा दोस्तों, थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा दोस्तों। डेली हम लोग लुंडा देने से ये भी काला हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग को इतने में ही ख़त्म करते हैं। ब्लॉग्स को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।